बीस रुपए में बुरा नहीं है ना, फुल मजेदार है। स्टाइल ही अलग है सबसे आपकी दुआ। अरे आप माशाल्लाह आप ही अलग है, वहाँ से देखते ही मैं आपके पास आया कि मिले मैं आ जाओ भाई। ये हमारा रंजनान है, आ जाओ। हाँ तो भाई साहब आज हम लोग मौजूद है भाई रंचोलेन। वैसे तो ये घंटाघर या पूना भाई कोई ऐसा नाम कहलाता है, वैसे घंटा गली घंटाघर या घंटा चौक रंचोलेन का ये भाई बड़ा मशहूर है। और यहाँ पर शाम के खानों की अगर क्रेविंग है तो भाई यहाँ आ जाओ, बहुत सारे आइटम मिलेंगे। और अगर रात जागते हो तो भी यहाँ आ जाओ, तब तो उससे ज़्यादा आइटम मिलेंगे। तो आज भी हम देखते हैं भाई शाम में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं, थोड़ा पेट भरते हैं, आपको दिखाते हैं, आ जाओ। यार हो रहा भाई रंचोलेन का घंटाघर और ये शाम के यहाँ पे मनाजिर है भाई, अच्छा खासा रश लग जाता है। चाहे आप वहाँ शरबत पी लें, इधर समोसे वगैरह खा लें, यहाँ पर भाई आपको मिल जाएगा खाड़ी वाड़ी छोड़ें। और आगे की तरफ जाएंगे तो भाई पूरी रंचोलेन की मार्केट है, वो ठीक ठाक भाई यहाँ पर रश लगा हुआ है। भाई सलीम भाई हमारे साथ मौजूद है। सलीम भाई क्या रहमत चने वाले के नाम से क्या क्या मशहूरी क्या है आपकी? यही है हमारी चने की गाड़ी, यही मशहूरी है, 50-55 साल हमारे को हो गए। अरे क्या बात है, जबरदस्त। और ये क्या स्टाइल क्या होता है छोलों का, चनों का, कैसे बनाते हैं? क्या हमारा स्टाइल ही अलग है सबसे आपकी दुआ। अरे आप माशाल्लाह आप ही अलग है, वहाँ से देख के ही मैं आपके पास आया कि पहले मैं आ जाऊँ। सलीम भाई क्या है अभी कितने रुपए की प्लेट चला रहे हैं, क्या हिसाब है? हमारी प्लेट 70 रुपए की पार्सल है, 100 की पार्सल है, 100 की पार्सल है, 70 की पार्सल है ना, सही है। तो क्या इसमें अपनी चटनियाँ मसाले और थोड़ा सा ये स्पाइस हो जाएगा या सादा सादा रहता थोड़ा? नहीं नहीं स्पाइस हो जाता है, स्पाइस क्यों नहीं, स्पाइस होगा तो काम चलेगा। अरे क्या बात है ना, तेज खाते ना कराची वाले? कराची वाले तेज भी खाते और रंचोलेन वाले सब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, यही भी खाते, हल्का तेज सब चलता ही रहता है। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। तो चलो भाई एक प्लेट बनवा लेते हम भी अपनी ना, सही ना, बनाए जरा ट्राई करते हैं भाई, यहाँ देखते हैं जब आए रंचोलेन शाम के टाइम पे तो क्या माहौल है। वैसे तो आइटम बहुत सारे मिल रहे हैं अभी भाई, मुकम्मल पूरी सीट है, चाहे दिन हो रात हो लगा रहता है भाई। ये आ गई हमारी प्लेट, ये प्लेट हमारी भाई हो गई तैयार। भाई सलीम भाई के जो छोले हैं हमारे पास वो भी आ गए हैं, पापड़ी और चने के साथ, और इनकी जो चटनियां हैं उसमें है असल इनका जादू। ट्राई कर लेते हैं भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यार ये एक दो छोले वाले हैं कराची में और उनसे बड़े मिल रहे हैं, कभी नाम नहीं ले रहा मैं, लेकिन उनसे सिमिलरिटी रखते हैं क्योंकि थोड़े से पानी वाले ज़्यादा है ना, ऑयल में तैयार नहीं हुए वे उस हिसाब से, और मसाले का टेस्ट बहुत यकीनन बहुत करीब पड़ रहा है। एक है पाकिस्तान चौक में, उनसे करीब पड़ रहा है इनका मसाला। और भाई मैं शाम में आया, आप अगर ऑफिस के बाद आप आते हैं, खाने की क्रेविंग होती है तो यहाँ आ जाए भाई रंचोलेन में, छोटे मोटे सस्ते आइटम भरपूर आपको मिलेंगे। अभी ये ट्राई करते हैं। और एक सामने मुझे जो है ना एक शरबत वाला नज़र आया भाई, वहाँ पे वो एक शरबत वाले अंकल है, वो भी बड़े टाइम से बनाते हैं, वहाँ चलते हैं पीते हैं और आज की रंचोलेन की जो ये घंटाघर वाली इलाके वाली जो गली है उसको एंजॉय करते हैं। 30 रुपए में कुछ बुरा नहीं है, 30 रुपए में बुरा नहीं है ना, फुल मजेदार है। और सामने आपको रंचोलेन का घंटाघर नजर आ रहा है भाई, यहाँ है उस्मान भाई का भाई शरबत का ठेला है, बड़ा पुराना है यार। और एक तो यार मैं सबसे पहले बता दूं कि सस्ता बहुत है। तो उस्मान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक है? माजरत काम के वक्त तंग कर रहे हैं, क्या क्या चला रहे हो, क्या गिलास है अभी? ये जेली वाला शरबत है, जेली वाला शरबत है। अच्छा, और ये तिकमोरिया वगैरह सब डलेंगे? क्या रुपए, कितने रुपए का? छोटा गिलास 30 का है, छोटा गिलास 50 का है, छोटा 30 का, बड़ा 50 का। जेली वेली सब डाल देंगे, ये जेली सब डाल। और उस्मान भाई कब से लगा रहे हो यार? हाँ ये आ गए भाई, जेली आ गई, ग्रीन जेली। 17-18 साल के करीब हो गए आपको। अच्छा ये कौन कौन से फ्लेवर की है? हरी आ गई, लाल आ गई, ये मैंगो, एक मैंगो फ्लेवर है, मैंगो फ्लेवर है, पाकोला फ्लेवर है, पाकोला फ्लेवर है, अच्छा फ्लेवर है। तो बनाया ना उस्मान भाई, हमारा भी बनाया। उस्मान भाई रंचोलेन में तो यार ठीक ठाक दिन हो रात हो रश ही रश है, मजेदार मजा आ रहा है ना, ओल्ड सिटी एरिया में काम करने का मजा भी है, लोगों से प्यार भी है, मोहब्बत भी है। अभी कुमेल डाल दी जी, कुमेल है, जबरदस्त भाई। ये 50 वाला गिलास है, ये 50 वाला गिलास बनाया मेरे, हमारे लिए भी बनाया भाई, ये 50 वाला गिलास भाई तैयार हो रहा है। हाय हाय, ओए मोहब्बत डाल दी। कौन सा मैंगो पाकोला? वो एकदम हां भाई, अंकल भी बैठे हैं खाने के लिए भाई। गर्मी चल रही है ना, जिस हिसाब से अभी दोबारा बढ़ गई, हालांकि बारिश का मौसम चल रहा था, गर्मी दोबारा आ गई है। सेटअप दिख रहा होगा और थोड़ी मक्खियां है क्योंकि सीजन जो है ना बदल गया है बारिश का भाई, इस वजह से मक्खियां भी थोड़ी तंग कर रही है। तैयार होता है तो बना दो उस्मान भाई हमारा भी। अभी दूध भी डलेगा क्या? अरे वाह यार, इतने सारी चीजें डाल के बारे में आ जाता है आराम से, अल्लाह चला रहा है ना, मोहब्बत है लोगों की, चला रहा है सही चला रहा है भाई। आ गई थी मोरिया भी और रेडी हो गया भाई, पीछे फिर बताते हैं लोगों को क्या टेस्ट दे रहे हैं।
यार ये भाई उस्मान भाई का ये शरबत देख गए, अब हमने जो बना लिया ना रूह अफ़ज़ा फ्लेवर है, थोड़ा मक्खियातन कर रही है, तो भाई ट्राई करते हैं। 30 रुपए यार सिर्फ। बिस्मिल्लाह। बर्फ बर्फ भाई, जेलियाँ जो है ना इनकी अपनी तैयार करते हैं। और उसमें ये दिखा दूँ भाई मैं, कब अटे भाई मक्खी बढ़िया नहीं अट रही, तिकमोरियाँ है, लाल है, बस समझे यार आप, एक सादा शरबत है, इसमें जो जेली और जो तिकमोरिया ना इसका कमाल है उसके साथ है भाई। अरे लड़के क्या क्या दे रहे हो भाई, क्या लगाया हुआ तुमने अपने ढेले पे? ब्रेड है, केक है, बिस्किट नान कढ़ाई वाला, बिस्किट नान कढ़ाई वाली आ गई, खानी है, बेसन है। अच्छा ये सब क्या तुम अपनी खुद तैयारी, भट्टी अट्टी लगाई हुई है क्या? भट्टी वट्टी नहीं लगाई हुई, ये ना वहाँ औरंगी टाउन से ले। अच्छा औरंगी टाउन से लेकर आते हो, यहाँ सेल कर दो, मिल जाते हैं पैसे वैसे अच्छे और सही ज्यादा का। तो कितने कितने रुपए से स्टार्ट और कितने तक? 50 रुपए का दुकान वाले 170 रुपए की दे रहे हैं, 130 रुपए की दे रहे। अरे भाई 130 रुपए बड़ी डबल रोटी है, जबरदस्त भाई। और ये बाकर खानी छोटी छोटी 50 रुपए की, और ये इसी तरह बिस्किट के अलग अलग रेट, एक ही दाम है 50। क्या बात है, यही खड़े रहे तो भाई घंटा करके। क्या नाम क्या तुम्हारा? मोहम्मद शफी भाई भी मौजूद है भाई, आ जाओ चाय में डुबो के आपको बाकर खानी और मिलेगी ना, बड़ा मजा आएगा। सही कह रहा हूँ ना? सही है भाई। तो भाई फाइनली ये थी आज की जो हमारी शाम वाली जो थोड़ी सी क्रेविंग थी रंचोलेन पे, तो बड़ा मजा आया। लेकिन यार ये जो जगह मैं छोड़ के जा रहा हूँ ना, इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा बहुत सारी वीडियोस यहाँ से लेकर आऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें या फॉलो कर दें। अल्लाह हाफिज़।